आज के टाइम पर एक मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं गतका। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी लवप्रीत सिंह ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, मैं ना इस ब्लॉग को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा। ये प्रभात फेरी का ब्लॉग होगा। एक्चुअली गाइस, आई नो कि ये मेरा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, तो कोई नहीं, ब्लॉग बहुत अच्छा है, आप देखें। और इस चीज़ और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ब्लॉग में करा क्या क्या है, यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रभात फेरी में क्या होता है, जैसे प्रभात फेरी ना धीरे धीरे हर गलियों में आती है, तो इसमें क्या करते हैं कि हर गलियों में ना हर बंदा वेलकम करता है, लाइक अपनी सेवा लगाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ की सेवा हुई, छोले भटूरे, दूध और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइस हुआ है ना, तो ऐसे हर बंदा अपनी अपनी सेवा लगाता है। और उसका वेलकम करने के लिए पहले क्रैकर्स लगाते हैं, कई बंदे क्रैकर्स जलाते हैं, तो आप सबको दिखाते हैं, आप देखो। जब पालकी साहिब आती है ना, तो रोड को आगे से अच्छे से क्लीन किया जाता है, ये देखिए। ये पालकी साहिब का प्रसाद मैंने ले लिया। फ्रेंड्स, ये जो क्रैकर्स है ना, ये मेरे भाई के पास रखे हुए थे, तो अब हम इनको जला रहे हैं सबकी सब। जैसे कि पालकी साहिब हमारी भी गली में आ रही है, तो हम भी वेलकम कर रहे हैं पालकी साहिब का, देख सकते हो गाइज आप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो आप सबको बता दूं मैं, उन्होंने ना एक हमको शस्त्र का ज्ञान दिया था, जो आज के टाइम पर एक मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं गतका। सो फ्रेंड्स, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने शहीदी का टाइम था, तो उन्होंने सब सिखों को बताया था, तो तब ना सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा था कि फिर हमारा आगे मार्गदर्शन कौन करेगा। तो फिर गुरु साहब ने सबको यूं कहा कि गुरबानी के रूप में हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा सदैव तुम्हारे साथ हैं। और यूं भी कहा था कि गुरबानी और अरदास के साथ हर सिख को शस्त्र का अभ्यास करना भी जरूरी है, यानी कि गतका मार्शल आर्ट।
फिर क्या हुआ, हम सब भाई मिले एक दूसरे से और हम सब ने बहुत इन्जॉयमेंट करा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पर बात फेरी के साथ हम घूमे और इस इन्जॉयमेंट में ना आप सबको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए सारे माल पाड़े ने कोई गुरुता लंगर लंगर खाने है कोई सब सब बम फोड़ने ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬ੍ਰੋ ਜਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 5000 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਚੀ ਗੁੱਚਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਓ ਓ ਓ ਹੈਲੋ ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਤੀ? 5000 ਦਾ। 5000 ਦਾ ਬੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ? ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਰਦਿਕ ਭਾਈ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ये अपना सामान लोड कर रहे हैं। अरे कैमरे में तो देखो एक बार। अरे सामान क्या लोड कर रहा है ये भाई? ये पिस्टल लोड कर रखी है, गड्डी गड्डी भाई की पिस्टल लोड कर रखी है। फ्रेंड्स ये देखो, ये इलेक्ट्रिक वाला, ये इलेक्ट्रिक से चलता है ये वाला। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइस का प्रसाद मिल रहा है और ये कॉफ़ी मिल रही है। तो फ्रेंड्स मैंने राइस ले लिए, मैं कुछ और नहीं खा सकता। ये देखो फ्रेंड्स, अब हम जला रहे हैं फूलझड़ी बच्चों की तरह, और ये जला दिए मैंने। सो मन्नी भाई ने अपने बच्चों वाली एक्टिंग स्टार्ट कर दी है पूरी की पूरी, देख सकते हो। छोले भटूरे खा खा के भटूरा बन गया। सो गाइस ये दोनों लड़ते रहते हैं, देखो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है, कोई ये चलाएगा कोई वो चलाएगा। की हाल ने भरा? मैं लख लख बधाइया ने। सो मैंने ना फिर से राइस ले लिए हैं, क्योंकि मैं राइस ही खा सकता हूँ, कुछ और तो खा नहीं सकता। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर छोले कुलचे मिल रहे हैं, मैं तो खा नहीं सकता। चलो आगे चलते हैं। की हाल है बाजी? सस्रीकाल बाजी, की हाल है? चुप क्यों हो रहे हो मेरे व्यूअर्स? चलो सस्रीकाल भी बुलानी है। की हाल है? बाजी अपने शर्मांदे ने बहुत। रणदीप गल सुन, ऐ पाजी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, की किया जाए ये नाल? पुट्ठा टांग दो। नाराज नहीं हो? डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा है, पहले हमारे भाई आई बोल बोल ना कर गाइस, ना कर गाइस। इनसे बढ़िया कोई नहीं बजाता, जो भी कहो इनसे बढ़िया कोई नहीं बजाता। ये देखो तो सर इसकी एक्साइटमेंट देखो कितनी ज्यादा हो रही है इसको, पता नहीं क्यों। भटूरे छोले भटूरे है, कितने भटूरे खाने ने? लोग हो चुके हैं।
हां जी आरे आ जाओ ये गल की है गल होई है सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक मन्नी बाजी आए ने फिर आए ने मन्नी बाजी ये मक्के की रोटी और दाल जो कि मैं खा सकता हूँ क्योंकि ग्लूटेन फ्री है। ये रिंकू भाई हैं जो बहुत उदास हैं आज, इनका लगता है कोई दिल टूटा है आज। क्या बनवाया? तो हे गाइस, अभी आज लंगर खा रहे हैं। अदी भाई, अदी भाई क्या हुआ? सब भाई ने बाल बोलिंग हो गया, पब्लिक बनी हुई है, भाग के जा रही है। अब मैं करूंगा व्लॉग को एंड। व्लॉग कैसा है कमेंट करके जरूर बताएं और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप व्यूज दे देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बाय।